आप आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी वजह से हैं और अपने थिंकिंग की वजह से हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी थिंकिंग, थॉट्स। थॉट्स एक वो एनर्जी है जो एक फॉर्म ले लेती है। तो आज अभी से यदि आप डिसाइड करते हैं कि अपने थॉट्स पे काम करेंगे तो आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। कैसे? थॉट्स जैसे ही हमारे माइंड में आता है, थॉट्स क्या करता है? थॉट्स हमें कुछ भी काम करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। एक थॉट आया कि मुझे अभी कॉफी मतलब पीनी है, तो क्या आएगा? वी वुड लाइक टू गो टू कैंटीन, ऑर्डर करेंगे, कॉफी पियेंगे, कॉफी पीने के बाद हमें संतुष्टि मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। थॉट्स हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है, और जब हम उस एक्शन को बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, तो क्या होता है? वो हैबिट बनता है। सिंपल है, एक्शंस को रिपीट करेंगे तो वो हैबिट बन जाता है, उसी हैबिट को आप लंबे टाइम तक बना के रखते हैं, दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। इसीलिए कहते हैं किस कैरेक्टर का इंसान है, कहते हैं ना बहुत खराब कैरेक्टर, यानी हैबिट खराब है। अच्छा कैरेक्टर क्या नहीं, हैबिट अच्छे हैं, और ये आपका कैरेक्टर आपके बनाता है किसको? फ्यूचर, डेस्टिनी को बनाता है। वो मतलब क्या है कि आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर किसके हाथों में है? किसके हाथों में? तो पहला सबक क्या करेंगे आज से? आज से हम लोग किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे। पॉसिबल आप लोग करते होंगे, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, आज से हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे? अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे। ये सब क्यों काम आएगा आपको? दीज आर ऑल कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटीज। जब आप कॉर्पोरेट में जाएंगे, किसी जॉब में जाएंगे, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी को सीखना होगा। अब सेकेंड पॉइंट आता है, आप जो भी फीड इन करते हैं, जो भी आप वॉच करते हैं, जैसे कंपनी में रहते हैं, जैसे परिवेश में रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, उससे क्या होता है? आपके थॉट्स डेवलप होते हैं। सिंपल है, किसी का थॉट अच्छा है, किसी का थॉट खराब है, क्या डिफरेंस है बताइए? राइट। अब यदि आपको मालूम हो गया कि जो भी मैं फीड कर रहा हूँ, जो भी मैं इनपुट ले रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? चेंज करना है कि अपनी कंपनी को अच्छा रखो। कंपनी मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है? आप अच्छी कंपनी में जाओ। यदि आपको लगता है कि आपकी कंपनी में कोई नेगेटिव है, वैसे लोग जो आपकी लाइफ में लाइफ को ड्रेन कर रहे हैं, ड्रेन आउट कर रहे हैं, उनसे दूर हो जाओ, ठीक है? इस क्लास के बाद देख लेना कौन ड्रेन आउट कर रहा है। वैसा पर्सन जो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, इनपुट दे रहा है, उससे आप दूर हो जाओ, ठीक है? अब इसका एक अच्छा पॉइंट क्या होता है? एक होता है कि क्या नहीं करना है, और ये दूसरा होता है कि हमें क्या करना है। नहीं करने का मतलब मैं बोलूं कि आप ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उससे ज्यादा बेटर है कि आप ये करो। जैसे यहाँ पे यदि अंधेरा है, तो अंधेरे को हटाने का तरीका क्या है? रोशनी जलाना। यदि आप अंधेरे को तलवार से काटोगे तो कटेगा, ठीक है? तो रोशनी जलाने का मतलब ये है कि आपको नेगेटिविटी को हटाने के लिए पॉजिटिव चीजें स्टार्ट करनी होंगी। अच्छी बुक्स आपको पढ़नी ही होंगी, अच्छी वीडियोज आपको देखनी ही होंगी। वहां पे आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल इसलिए है कि आगे आने वाले टाइम में आपके पास रिपेंट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचने वाला है, राइट? अब कैसे होगा? यदि आपने सही टाइम पे सही काम किया, तो आप वो कुछ भी पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। यदि आप अपनी जरूरतों के लिए काम करोगे, तो आप जैसे करते हो आराम से मस्ती में सोते रहो, 10 बजे तक थोड़ा पढ़ाई कर लो, कॉलेज में जाओ, टाइम पास कर लो, कोई नौकरी लेके आप ले लो, रोजी रोटी आपकी चल जाएगी। लेकिन यदि आपके अंदर कुछ उमंगे हैं, कुछ जोश है, कुछ करने का जज्बा है, कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आप एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको अपनी चाहतों के लिए काम करने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। सिंपल है। आज के बाद आपकी जो भी हैबिट्स बन चुकी हैं, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी हैबिट बनने के बाद हमको उसको चेंज करने में टाइम लगता है। यहाँ पे काम आएगा आपका पैशन, आपका पर्पस, आपका गोल, आपका एम, राइट? आपका फोकस, आपका ड्रीम, आपका डेडिकेशन, आप करना क्या चाहते हैं, वो आपका यहाँ पे काम आएगा। यदि मेरा फोकस यहाँ से उस जगह पे है, तो मेरे बीच में कुछ भी दुनिया की चीजें नहीं आ सकती। मैं उसको हटा के, फाड़ के, चिड़ के, मार के किसी भी तरह से वहां पहुंच जाऊंगा। इतनी हमारे अंदर पैशन, इतनी हमारे अंदर जोश होनी चाहिए, तभी आप वो काम कर पाओगे जो आप करना चाहते हैं, ठीक है? तो लीडर्स का क्वालिटी और क्या है? लीडर्स बहुत ब्रेव होते हैं। ब्रेव का मतलब ये नहीं है कि वो हारते नहीं है, ब्रेव का मतलब ये है वो हारने के बाद भी टूटते नहीं। एक वो होता है कि जो जीत जाता है, लेकिन जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपनी हार को एक्सेप्ट कर पाते हो।
क्या हारने के बाद आपके अंदर दोबारा से उठने की हिम्मत है? यदि है तो आप एक लीडर हो, और नहीं हो तो आप उसको इनकलकेट करना स्टार्ट कर लें। ठीक है, लाइफ में कई लोग, हम लोग फेलियर मिलती है, हारते हैं, टूटते हैं, कई लोग गलत स्टेप्स लेते हैं, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। ठीक है, वैसे लोगों को ये चीजें शेयर करना इम्पोर्टेंट है कि आपका जो लाइफ का पर्पस है, जो उद्देश्य है जिसके लिए आप लाइफ में आए हो, उसको पूरा करके ही जाना। किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर्ड हो तो आप लक कुछ भी नहीं कर सकते, लक आपके हाथों में रहेगी। राइट, यू विल बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ, यू विल बी द कैप्टन ऑफ योर शिप, यू विल बी द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। फिर कोई आपको यहाँ से वहां हिला नहीं सकता। अपनी एक ऐसे ग्रुप बनाओ जो पॉजिटिव लोग हैं, ऐसे ग्रुप बनाओ जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ग्रुप बनाओ जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो